हाँ इस्लाम क्या है इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए कर और असल चीज़ क्या है इस्लाम करने के लिए हाँ देखें इस्लाम क्यों कबूल करनी चाहिए इस, क्योंकि इस्लाम हक है क्योंकि इस्लाम हक है इस जमीन और आसमान का इस हस्ती का हमारे और आपका एक ख़ालिक है और उस ख़ालिक ने हकीकता वाकअन ख़ातम्बिया सलम को अरसाल किया है दलाइल बहुत है अल्लाह के वजूद के दलाइल और हमारे नबी सल्ला वसलम के रसालत के तलाइल बे इम्तहान तो ये इसलिए के हक़ है और उसका उस, उस खाल ज़मीन आसमान का अगर ये वाक़ ज़मीन आसमान का कोई बनाने वाला है वो आल पावरफुल है आल नॉलेजबल है ये आलम है अलीम है कादिर है हर मतलब पे है, वो हमें उसने हमें बनाया तो ये नहाय एक बहुत ही अहम वकीक़त है इससे बढ़ कर दुनिया में अहम हकीकत कुछ भी नहीं है ठीक है ना तो हमारा और आपका मसा एक पड़ोसी है आपके घर के साथ कोई पड़ोसी रहता है अगर पड़ोसी है उसकी अहमियत है आपको पता होना चाहिए कि आपका एक पड़ोसी भी है उधर सनसान जगह नहीं है उसके कुछ हकूक़ हैं ठीक है ना अगर शहर में कोई एक पुलिस स्टेशन है पुलिस स्टेशन में कोई बहुत बड़ा ताने है उसकी भी अहमियत है लेकिन अगर हमारा एक हमारा एक बनाने वाला है उसने हमें बनाया है और वो हमसे चाहता है कि हम उसके साथ एक ख़ास अंदाज़ में गुफ्तु करें जिसको हम इबादत कहते हैं उसकी वर्शिप करें और वो चाहता है कि हम एक ख़ास अंदाज में एक ख़ास तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारें उसकी कुछ कवानी है कि अगर उनको आपने उनको आपने फॉलो किया तो वो अबदी सदत आपको अता करेगा और अगर फॉलो नहीं किया तो वो आपको अबद के लिए अजाब में मुबला कर देगा तो ये तो ये तो बहुत ज़रूरी बात है इस हकीक़त को समझना चाहिए इस हकीकत को इससे बढ़कर कोई हकीकत है नहीं इससे बढ़ मोर इम्पोर्टेंट कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं है ये अगर ऐसी कोई बात है तो हमारी पूरी जिंदगी को यही डिक्टेट करेगी ठीक है ना तो इसलिए इस्लाम को कबूल क्यों कर, करना चाहिए क्योंकि इस्लाम हक़ है अल्लाह है नबी वसल्लम वाकन नबी है कुरान वाक़ा अल्लाह का कलाम है और नबी नबी ने जो दीन देखा आया है अलैहि वसल्लम वो वही दीन है कि इसके मुताबिक अल्लाह ने जो प्रोग्राम हमें दिया है कि जिंदगी इस तरह से तुम गुजारो मेरे साथ इस अंदाज से रोज़ाना बात करो मैं तेरे इंतज़ार में होता हूँ पांच दफ़ा दिन में मेरे साथ इस तरह से बात करो मेरे इस तरह साथ इस तरह राजज करो मैं मुझसे मुझे इस तरह मांगो मुझे इस तरह तलब करो और मेरी रजा इन बातों में है तो ये वाक़ा अल्लाह की जानब से वो प्रोग्राम वो मैसेज हमें आया है ठीक है ना तो ये ये इस्लाम है और इस्लाम क्यों कबूल करनी चाहिए उसकी दलील है ठीक और कोई जी मेरा हुक्म सवाल ये था कि जब हमने बहुत से लोगों से सुना है कि जो है बाद लोग जो अखलाक से इस्लाम कबूल करे बाद लोग कहते हैं कि जो है आजा की आवाज बहुत अच्छी थी कि तो मेरे को जो है इस्लाम की तरफ रागिब होना दिल बोला अजीब और खदम के जो है हमने बहुत से जो है वाक्य सुन रखे हैं तो इस्लाम कबूल करने के लिए मतलब क्या चीज को सुन के कबूल करना असल क्या बोलना और क्या समझ के कबूल करना मैं समझे मेरी बात आप मैं जी मैं समझ गया आपकी बात और मेरा जवाब यही है इसलिए कि इस्लाम हक है इस ट्रू क्यों इस्लाम को कबूल करें मैं, नहीं मैं नहीं, नहीं, नहीं कहता कि आवाज वो, वो, वो अजान की आवाज खूबसूरत खुछु, है या कुरान की तलावत खान को अच्छी लगती है मैं इस बात को नहीं मानता इसलिए इस्लाम काम करनी चाहिए कि अजान जो है वो बहुत उसकी आवाज़ बहुत सुनहरी होती है दुनिया में सुनहरे आवाज़ बहुत होते हैं ठीक है ना और इसका मतलब आ, आ, उसका मतलब ये नहीं है हाँ सुनहरे आवाज़ अतमन उसका मैसेज भी सही है बहुत सारे लोग हैं जो गलत बात को बहुत खूबसूरत आपके हिंदुस्तान में बहुत बहुत ऐसे गुलकार हैं बहुत सारी चीज़ें वो गाते हैं सुनाते हैं आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ में ठीक है ना लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनका मैसेज भी सही है वो जो कह रहे हैं वो भी सही है वो नहायत ही घटिया शहर होते हैं नहायत ही घटिया शहर को बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपको सुनाएंगे ठीक है ना मैं इन बातों को नहीं मानता इस्लाम क्यों कबूल करनी चाहिए क्योंकि ये हक है ये हक है हक है ये वाकन अल्लाह हक है हकीकता अल्लाह है हकीकता अल्लाह अल्ला हमसे इबादत मांगता है और एक ख़ास तरीके से इबादत मांगता है इस तरीके से इबादत करोगे तो तुम्हें मैं अबदी से दूंगा इस तरीके से नहीं करोगे तो अबदी सा आदत नहीं दूंगा ठीक है ना अगर अल्लाह है बनाने वाला है हमारा ठीक है जो हकीकत में है उस उसकी दलाइल बेशुमार है हर हस्ती के हर ज़र्रे में उसके वजूद के दलाइल है हर ज़र्रा जो है एक म, उसकी मारिफत की एक बहुत मोटी किताब है बल्कि एक लाइब्रेरी है तो उसने उसका पैगाम हमारे लिए क्यों कबूल करें उसके पैगाम को क्यों कबूल ना करें क्यों कबूल ना करें ना? तो यह ये तो ये कोई बात ही नहीं हुई जब हमारा हर सांस उसके कब्जे कब्ज़दस्त कुदरत में है उसके इख्तीार में है हब नमतें उसकी जानब से हैं उसके मैसेज को क्यों कबूल ना करें कोई वजह है उसका कबूल ना करना उसकी मुखालफत करना नहायत ही हमाकत, नहायत ही जहालत नहायत अपने आप पर जुल्म करना अपने नफ्स पर जुल्म करने वाली बात ठीक है भाई और मजीद कोई सवाल